Hello everyone, welcome to Mind Maps. In this video lecture we will be discussing about diamagnetic ring current. तो आज हम पढ़ेंगे diamagnetic ring current के बारे में और देखेंगे कि यह होता क्या है. You can see a benzene ring. There are p orbitals perpendicular to the plane of the molecule. Okay. Benzene is an aromatic compound. Benzene क्या है? एक aromatic compound है. Aromatic कंपाउंड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन होता है. ठीक है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है एरोमेटिसिटी की. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल घूमता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे एक रिंग करंट जनरेट होता है. और अगर आपके पास फिज़िक्स का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो 11th 12th का ही, ज़्यादा कुछ नहीं है. लेकिन जब करंट जो होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो उससे क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. अब करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही है. इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वायर में, तो उससे करंट जनरेट होता है ना. और उससे क्या होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो वही यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन करता है तो एक रिंग करंट जनरेट होता है. और इसी रिंग करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ओके, द इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन कॉजेज अ रिंग करंट एंड दिस रिंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड विच विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड हाउ दैट वर्क्स. तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी लोकलाइज करते हैं, उसकी वजह से रिंग करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से क्या? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम एक्सटर्नली एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. ओके, एक्सटर्नली अलग से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल के अक्रॉस. वी आर अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव अ लुक एट द मॉलिक्यूल. ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डी लोकलाइजेशन इज इन द सेम डायरेक्शन व्हेन इट इज आउटसाइड द रिंग. ओके, रिंग के आउटसाइड जो ऐसे सर्कल है ऐसे, उसकी डायरेक्शन देखो, दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है. लेकिन रिंग के अंदर देखो, रिंग के अंदर क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रिंग विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नली. ठीक है, जो रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट है, जिससे क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी. तो एच क्या होगा? एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू एच आउट माइनस एच इन. क्यों? क्योंकि उन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग है. तो यही एक छोटी सी थ्योरी है डायमैग्नेटिक रिंग करंट की. और दिस इज़ ट्रू फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कम हो जाती है रिंग के अंदर. और इसी का जो है वो टोटल ऑपोजिट होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है? जो फील्ड होती है इनसाइड वो सेम डायरेक्शन में होती है फील्ड आउटसाइड के. तो हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बन जाती है? एच नॉट प्लस एच आई. तो अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है नेट, वो बढ़ जाती है उल्टा. तो ये डिफरेंस है एरोमेटिक कंपाउंड्स में और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में. तो ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया डायमैग्नेटिक रिंग करंट, ये सिंपल सी थ्योरी है. जो भी आपको समझ में आए तो अच्छी बात है. आप थोड़ा बहुत रीड भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. वैसे तो कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है ऐसे अलग से पढ़ने के लिए. लेकिन देखिए, बनाइए एक मॉलिक्यूल, एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल बनाइए. उसमें देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होगी, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से. तो बस इतना ही है आज के लेक्चर के लिए. और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना अगर आपको पसंद है पढ़ना और मेरा पढ़ाना. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.